गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। तो गाइज आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइज आज मैं फिर आप लोगों के साथ एक प्रोडक्ट का रिव्यू करूंगी गाइज, जो है गार्नियर की एंटी एजिंग क्रीम। गाइज तो चलिए आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगी गार्नियर एंटी एजिंग क्रीम की। गाइज एंटी एजिंग क्रीम गाइज ऐसी एक जरूरत है जो हर लेडी हर औरत को अपनी लेट 20s में पड़ती है। गाइज जो अपनी लास्ट 20s में है वो एंटी एजिंग क्रीम को ट्राई कर सकते हैं। गाइज एजिंग के कैसे सच्चाई है गाइज, जो हर किसी की लाइफ में आती आती है। ड्राई स्किन वालों को थोड़ी जल्दी आ जाती है, ऑयली स्किन वालों को थोड़ी लेट से आती है। गाइज ड्राई स्किन वालों को फाइन लाइंस और रिंकल्स की प्रॉब्लम थोड़ी जल्दी होने लग जाती है और ऑयली स्किन वालों को थोड़ी लेट से होती है। तो गाइज ये है एंटी एजिंग क्रीम गार्नियर की। अगर आपने लास्ट 20 में तो गाइज आप इसको ट्राई कर सकते हैं। गाइज की आउटर इसकी आउटर पैकेजिंग की बात की जाए गाइज, तो इसकी आउटर पैकेजिंग कुछ इस तरह की कार्डबोर्ड के पैकेज में इस तरह से कुछ पैक होकर आता है। यहाँ पे आपको इसके सारे इंग्रेडिएंट मेंशन होंगे। इसमें लिख रखा है रिंकल लेफ्ट एंटी एजिंग क्रीम, इसमें रेटिनॉल है, रेटिनॉल फॉर नेचर, और ये डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है। रेटिनॉल एजिंग के लिए काफ़ी अच्छा होता है गाइज, और इसमें यहाँ पे भी इसके सारे इंग्रेडिएंट मेंशन है, आप देख सकते हैं। तो गाइज ये तो हो गई इसकी आउटर पैकेजिंग के बारे में बात। अब इसकी इनर पैकेजिंग के बारे में बात करते हैं गाइज, तो इसकी इनर पैकेजिंग गाइज कुछ इस तरह से होती है। गाइज ये इनर पैकेजिंग में कुछ इस तरह की आती है गाइज। अगर इसको अप्लाई करने का तरीका गाइज तो इस पर लिखा हुआ है गाइज, आप इसमें मॉर्निंग और इवनिंग दो बार में इसे अप्लाई कर सकते हैं। गाइज यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आप इसको मॉर्निंग में अप्लाई करना चाहते हैं गाइज, तो इसे मॉर्निंग में भी अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन करके और इसके ऊपर आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। पर गाइज इसमें कोई SPF नहीं है, तो आप इसको अप्लाई करने के बाद अगर आप दिन में अप्लाई करते हैं तो आपको कोई सनस्क्रीन अप्लाई करना पड़ेगा, और आप नाइट में अप्लाई कर रहे हैं गाइज तो नाइट में आप अपने फेस को अच्छे से क्लीन और टोनिंग करके फिर इसको आप एज अ मॉइस्चराइजर भी अप्लाई कर सकते हैं गाइज। ये क्रीम अच्छी लगी, बट गाइज मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि आप ऑयली स्किन वालों के लिए इतना अच्छा नहीं है गाइज, ड्राई स्किन वाले नॉर्मल टू ड्राई स्किन वालों के लिए काफी अच्छा है। अगर अपने लास्ट 20s में है गाइज तो आप इसको जरूर ट्राई कर सकते हैं, आप इसके साथ जा सकते हैं। अगर आप कोई बजट में कोई अच्छी एजिंग क्रीम ढूंढ रहे हैं गाइज तो आप इसके साथ जरूर जा सकते हैं। तो आई होप गाइज ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें एंड कमेंट करके मुझे बताएं आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो गाइज